आदरणीय मास्टर जी फूल सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। देखिए दो चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा, फिर एक रचना आपको दूंगा। आबरू की नीलामी तो क्या जमीर तक देखते हैं लोग, झूठ से सजा हुआ गुलदस्ता अमीर तक बेचते हैं लोग, हमने तो चावल तक नहीं बेचे मगर खीर तक बेचते हैं। देखिए प्यार पानी में गलता नहीं, जलता नहीं आग में, करता हूं कोशिश मगर लिखा नहीं भाग में, भाग्य में लिखा नहीं मगर आस नहीं छूटती, पीता हूं प्यार को मगर प्यास नहीं टूटती। मैं आपको एक रचना एक बच्चे के विषय में दूंगा, क्योंकि आजकल हमारे संस्कार जो हैं, पहले बुजुर्गों से संस्कार मिलते थे, आज हमें संस्कार चित्रहार से मिलते हैं। अब चित्रहार के संस्कारों में और हमारे बुजुर्गों के संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा चिंता का विषय है। पहले बच्चे बैठते थे हमारे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, बुजुर्गों के पास। आज के बच्चे एक तो यो फुकवा होगा अंगड़ी यार पटे रान देना चित्र बढ़िया हूं मैं, लेकिन अपने दादा से कुछ ज्ञान नहीं। बच्चे ने ऐसा किया कि दादा के सामने जब आया तो दादाजी बोला बेटे अपने दाई का खेल। तो मैं आपको बताता हूँ दाई के कौन कौन है। वो बच्चा वापिस घूम गया और दादा का नी बड़ी बड़ी आंख काट के ने बोला दादा तू कितना बड़ा है। उन सोची बात छोड़ा तो अकड़ गया। अब वो बच्चा दादा से पूछता क्या आप इतने बड़े हो, छोटे छोटों ने क्या किया है, वो आपको मैं संरचना के माध्यम से देना चाहूंगा। बच्चे ने कहा बच्चा ही मत समझो मैं वीरों की संतान हूँ, भाग्य और भविष्य देखो भारत माँ की शान हूँ, बच्चा ही मत समझो मैं वीरों की संतान। अरे भरत जी से बलशाली बच्चे खेला करते शेरों से, बिया बार बनवासी बच्चे डरते नहीं बघेरों से, विषय को लिया समझ खिलौना शिक्षा ली सपेरों से, सूर्य पुत्र सदा खेलते आंधी और अंधेरों से। अरे भय की घनक नहीं सुन सकता ऐसे अपने कान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत माँ की शान है, बच्चा ही मत समझो हम वीरों की शान। अब उसने बताया दादाजी और सुनो बच्चों की, मतलब बता बेटे नुबला लव और कुछ दो बच्चों का एक सुंदर सा जोड़ा था, उन बच्चों ने पकड़ लिया श्री रामचंद्र का घोड़ा था, हनुमान से बलशाली का बल बच्चों ने तोड़ा था, उन बच्चों से युद्ध करने श्री रामचंद्र भी दौड़ा था। अरे धनुष्तान वो बच्चे बोले हम भी तो बलवान हैं, भाग्य और भविष्य देखो भारत माँ की शान है, बच्चा ही मत समझो हम वीर। फिर उसने बताया कि योगी राज कृष्ण ने लीला बचपन में दिखलाई थी, मनमोहन मुरलीधर ने मुरली मधुर बजाई थी, माखन चोर कहाया जग ने खुद ने गऊ चराई थी, बचपन में ही धरू भगत ने पन में धोनी लाई थी। अरे गौरव देख गुरु का ये और माता का सम्मान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत माँ की शान है, बच्चा ही मत समझो ये वीरों की संतान। और सुनो अरे महाभारत जब बच्चा गया तो सारे हो चुपचाप गए, अब मन्नू बच्चे के भैसे बड़े बड़े योद्धा कांप गए, चक्र में उन्हें मैं तोड़ू चाहे कहीं हमारे बात गए, महाभारत के पन्नों पर लावो अपने छाप गए। अरे अर्जुन भीष्म के सामने बच्चा नहीं था क्या, भीष्म आ गया अर्जुन बच्चा इन बाणों पर शमशान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत माँ की शान है, बच्चा ही मत समझो ये वीरों की संतान। फिर आखिर में बताया उसने भारत देश का एक दिन देखो इन कंधों पर आएगा, वीर हकीकत जैसा देखो हर बच्चा कहलाएगा, दीवारों में चिने गए थे उन पर गर्व दिखाएगा, गोदी लेकर देखो इनको प्यार पनपता पाएगा। महेंद्र सिंह गहलोतिया ये कल के वीर जवान है, भाग्य और भविष्य देखो भारत माँ की शान है, बच्चा ही मत समझो ये वीरों की संतान है। धन्यवाद।